हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 15 दिन में एसएससी मेंस का जो टाइपिंग टेस्ट है उसको कैसे क्लियर किया जाए। अगर आपको मैं जो चीज़ें बताता हूँ अगर वो फॉलो करते हैं आप, तो आपका टाइपिंग टेस्ट 100% पास हो जाएगा, है ना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करनी है, कितना टाइम प्रैक्टिस करनी है, क्या कौन सा कीबोर्ड आपका आ सकता है, कैसा पैसेज आएगा, सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, वीडियो को ध्यान से सुन लेना बस, आप इतना कर देना और जो चीज़ें बताई उनको फॉलो कर लेना, आपको टाइपिंग में कोई फेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी का जो टाइपिंग का रूल है वो क्या है। देखो, आपके जो आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा उसमें 2000 की डिप्रेशन रहेंगे। एक की डिप्रेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई भी कीबोर्ड में एक बार प्रेस की तो वो एक की डिप्रेशन है, ठीक है। तो 2000 की डिप्रेशन रहेंगे, लगभग 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड मानते हैं। तो आपकी जो 15 मिनट में आपको लगभग 27 की स्पीड से, 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको 2000 कंप्लीट करने, आपको ना तो उससे ज़्यादा करने ना कम, लगभग 2000 कुछ आएंगे तो वही आपको कंप्लीट करने, ठीक है। रूल क्या रहता है, आपकी एरर कैसे काउंट की जाती है। देखो, यूआर है, यूआर के लिए 5% एरर अलाउड रहती है। 5% एरर का मतलब है कि आप, है ना, जैसे 2000 है उसमें से उसका 5% यानी 100 की डिप्रेशन गलत प्रेस कर सकते हैं। अगर आप 100 से ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आप फेल हो जाते हैं टाइपिंग में, ठीक है। 100 के अंदर करेंगे तो आपको पास कर लिया जाता है, क्योंकि आपको 5% एरर अलाउड करते हैं वो लोग, ठीक है। अब और दूसरी जो कैटेगरी है उनके लिए क्या रहता है, उनके लिए 7% एरर अलाउड रहता है, यानी कि 140 की वो मतलब रॉन्गली प्रेस कर सकते हैं 140 तक, ठीक है। उसके बाद करेंगे तो उनको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस आपको अलाउड रहता है, तो आप कोई भी अगर आपसे गलती से कोई वर्ड गलत टाइप हो गया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, बीच में भी, लास्ट में भी, कभी भी, जब आपका मन करे। अब देखिए आपको करना कैसे, आप बिगिनर हैं, मैं आपको बिगिनर लेके चल रहा हूँ। अगर आपने थोड़ी बहुत टाइपिंग की है तो आप जैसे ही आपको सुटेबल हो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कीबोर्ड लेना है इंग्लिश वर्डमाला का, कौन सा वर्ड कहाँ पे है उस कीबोर्ड में एक बार ऑब्जर्व करना है, ढंग से देखना है, यानी कि आपको लर्न कर लेना है कौन सा वर्ड कहाँ पे। उसके बाद में आपको आपकी उंगलियाँ सेट कर लेनी है, ठीक है। देखो, जैसे ही आपकी उंगलियाँ सेट हो जाएंगी तो आपको पहले दिन कोई भी सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर, जैसे आप टाइपिंग मास्टर पर जा सकते हैं, एक सोमना टाइपिंग एक्सपर्ट भी आता है उस पर जा सकते हैं, एक पेड वर्जन आता है, ये दोनों फ्री, एक पेड वर्जन आता है उसका, सोनी टाइपिंग ट्यूटर काफ़ी अच्छा है, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, जो आपकी की डिप्रेशंस को प्रेस करना है, यानी कि ए बी सी डी से जो भी जेड तक के आपके वर्ड्स हैं उनको प्रेस कर करके देखना है आपको, ए एस डी एफ इस टाइप में आपको आपकी उंगलियों को सेट कर देना है। शिफ्ट के साथ आपको की को कोई भी वर्ड है उसको प्रेस करके देखना है, क्योंकि जब कैपिटलाइजेशन करेंगे आप तो शिफ्ट जरूरी होता है, शिफ्ट के साथ कोई भी वर्ड दबाते हैं तो वो आपका कैपिटल बन जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना है पहले दिन आपको, अगर आपने कर लिया है आपको पता है कि कौन से उंगली से कौन सा वर्ड आपको प्रेस करना है, तो आप इसके बाद में स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो आपको एक पैराग्राफ को कम से कम 2 से 3 बार देना है। कैसे देना है, उसको टुकड़ों में देना है, आपको 15 मिनट का डायरेक्ट टेस्ट नहीं लगाना है अभी। आपको क्या करना है, 5 मिनट का एक पैराग्राफ देना है, ठीक है, 5 मिनट का दोबारा देना है, यानी कि आप 5-5 मिनट के 3 दे सकते हैं, या ऐसे दे सकते हैं कि 5 मिनट का दिया, उसके बाद उसी पैराग्राफ को 10 मिनट लगा के दिया, उसी पैराग्राफ को 15 मिनट, सेम पैराग्राफ को लगभग 3 बार करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड है ना वो अपने आप बूस्ट होगी, ठीक है। आप किसी भी, जब आपको वर्ड का पता होगा तो आप फास्ट प्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, बार बार एक पैराग्राफ को लगभग 2 से 3 बार तो एटलीस्ट करना है, ठीक है। एक दिन में 2 से 3 बार कर लिया, अगले दिन कभी एक बार जरूर देख लेना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 बार करना है, 5-5 मिनट की अगर आप ज़्यादा लगाएंगे, अगर आपको 5 मिनट का थोड़ा ज़्यादा लगा है तो 2 मिनट का लगा के देख लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 5 मिनट का आप लगा के देखिए। 5 मिनट का लगाएंगे बार बार, आपको देखो एक तो आपकी उंगलियाँ इतनी जल्दी थकेंगी नहीं, तो 5 मिनट में आप अच्छे से प्रेस भी कर पाओगे, दूसरी चीज़ प्रेशर भी हैंडल कर पाओगे। आपकी 15 मिनट की भी प्रैक्टिस हो रही है डेली, और आपको 5-5 मिनट के 2-3 बार आपको सेट भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये करते रहना है ना, लास्ट दिन तक ये करना है आपको। कितना टाइम देना है, अगर टाइम की बात करें तो आप 1 से 2 घंटा देंगे, यानी कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अगर अच्छे से देंगे तो आपकी 27 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो इजीली आ जाएगी, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि 27 वर्ड मिनट बहुत कम होती है यार। कुछ लोग हैं जो सिर्फ 2 उंगलियों से ऐसे प्रेस करके भी आ जाते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको कीबोर्ड है वो, अगर आपके पास पॉसिबल है तो 2 अलग अलग कीबोर्ड पे ले सकते हैं, एक कोई पुराना कीबोर्ड अरेंज कर सकते हैं, जिसपे क्या है कि वो कीबोर्ड रहेगा थोड़ा टफ रहेगा, आपको हार्ड की प्रेस होगी, तो उससे क्या होगा कि अगर आपके एग्जाम में, आपको तो पता नहीं कैसा कीबोर्ड आने वाला है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में मतलब ऐसा हुआ कि कोई हार्ड कीबोर्ड आ गया पुराना TVS वगैरह का, तो आप उस पर भी कंफर्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। एक कोई नया कीबोर्ड यानी कि जो सॉफ्ट है थोड़ा वो कर सकते हैं, ताकि आपकी सॉफ्ट और हार्ड दोनों पे प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको सिस्टम कैसा मिलने वाला है इसका कोई पता नहीं है, ठीक।
ऐसे करते रहिए, 100% आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखो भाई, आपका जो पैराग्राफ है वो सिंपल आने वाला है, ठीक है, ना ही उसमें कोई भी करेक्टर, स्पेशल करेक्टर आएंगे, ना ही कोई नंबर आने वाले हैं, सिर्फ कैपिटलाइजेशन होगा, जो कि कोई भी सेंटेंस उसकी स्टार्टिंग में आपको कैपिटल करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन उसके बीच में भी करना पड़ेगा, तो कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखना है, शिफ्ट के साथ जो की प्रेस करनी है उसको अच्छे से आपको परफॉर्म करना है, बाकी आपको बहुत ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका इजिली इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है।